एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल में स्थित लखोरी जलालपुर गांव पहुंची। इस समय कामेंद्र सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 4,000 की आबादी वाला यह गाँव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गाँव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1750 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 550 राशन कार्ड धारक हैं। जब गांव में सरकारी सुविधाओं का जायजा लिया गया तो पाया कि वर्तमान में गांव में 7 विधवा पेंशन, 17 वृद्धा पेंशन व 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 165 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 27 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 150 विद्युत पोल, 6 विद्युत ट्रांसफार्मर, 22 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, स्कूल में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 113 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं लखोरी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान हूँ और मैंने कई सीसी टाइलें कर दी हैं, 5 नल रिबोर करा दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्राम में शमशान घाट बनना चाहिए। उस पर कुछ 500-600 मीटर का खड़ंजा होना चाहिए, जो रास्ता कच्चा है, निकला नहीं जाता उधर को।